dear students, good morning. Standard 3rd, subject mess, chapter number 3, subtraction. तो first part हमने क्या किया था? Subtraction ही किया था, यानी कि minus करना. तो हमने क्या किया था? 3 digit and उसमें से 2 digit वाले numbers हमने minus किए. अब हम क्या करेंगे? 3 digit है, उसमें से 3 digit ही minus करें. First हम देखेंगे with regrouping or without regrouping and second देखेंगे with regrouping. यानी कि without regrouping यानी कि simple sum and with regrouping यानी कि बोरो वाले sum. Okay? तो first हम देखेंगे with without regrouping. Next, 7 minus 6. 7 minus 6 minus 6.
आंसर वन ही आएगा। जैसे एडिशन में करते हैं ना हम लोग कि कोई भी डिजिट है उसमें वन ऐड करना है तो उसका आफ्टर नंबर आएगा, वैसे ही यहाँ पे कोई भी डिजिट हो उसमें से बिफोर नंबर माइनस करेंगे तो वन आएगा, और कोई नंबर है उसमें से वन माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा बिफोर। यानी कि यहाँ पे सेवन माइनस सिक्स की जगह सेवन माइनस वन होता तो क्या आएगा आंसर सिक्स, क्योंकि सेवन डिजिट है उसमें से वन माइनस करेंगे यानी कि उसका बिफोर नंबर यानी कि सिक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है सेवन माइनस सिक्स यानी कि आंसर आएगा वन, तो हमें ये काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। ओके देन नेक्स्ट नाइन माइनस टू, नाइन में सिक्स माइनस करना है टू, यानी कि पहले नाइन काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन माइनस टू वन टू, अब कितने बच्चों को काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हाउ मेनी लेफ्ट नंबर सेवन, यानी हंड्रेड में आंसर क्या आएगा सेवन, यानी कि नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स माइनस टू हंड्रेड सिक्सटी फोर का आंसर आएगा सेवन हंड्रेड ट्वेल्व। अब हम देखेंगे पिथरी गुरु यानी कि बोरो वाले सब, जीरो को कट करके टेन लिखेंगे, क्योंकि जो भी नंबर है उसमें
हमें 10 ऐड करना है, यानी कि 0 है तो 10 ऐड करेंगे, यानी यहां से 10 का 10 ही रहेगा। आगे ग्रो करेंगे यानी कि कट करके क्या करेंगे, बिफोर नंबर यानी कि 4 110 ही ग्रो करना है। ओके, अब हम कैलकुलेशन करेंगे 10 - 9, 10 में से कितने माइनस करने हैं 9। तो बच्चों मैंने बताया था ना पहले कि जो नंबर है उसका बिफोर नंबर हमें माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा 1, यानी कि 10 का बिफोर नंबर है 9। ओके, तो आंसर आएगा 1। काउंटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। देन नेक्स्ट 4 - 6, अब यहां पर भी ये सेकंड टाइम हुआ, स्मॉलर बिग अमाउंट है, हमें से स्मॉल अमाउंट में से बिग अमाउंट माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे, फिर से ये 4 को कट करेंगे और 14 लिखेंगे और आगे वाले डिजिट को 4 यानी कि 7 को कट करके 6 लिखेंगे। समझना अच्छे से क्या किया है, 4 - 6 नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम फिर से 4 को कट करके 10 ऐड करेंगे यानी कि 14, आगे वाले डिजिट को बोरो करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐड किया है, तो आगे वाले डिजिट में बोरो करना कंपलसरी है, यानी कि 7 को कट करके लिखेंगे 6। ओके, यानी कि 14 - 6 करना, तो हम 14 काउंटिंग करेंगे, उसमें से 6 माइनस करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें से कितना माइनस करना है 6 नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाउ मेनी लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 8। देन नेक्स्ट सेज 6 - 1, तो देखो एक सेकंड रूल्स मैंने बताया था, कोई डिजिट में से 1 माइनस करना है यानी कि उसका बिफोर नंबर लिखना है। ओके, बिफोर नंबर माइनस करना है तो 1 लिखना है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस करना है, 6 का बिफोर नंबर क्या है 5, यानी कि आंसर क्या आएगा 581। देन नेक्स्ट 110 1, यहाँ पे लिखूंगी मैं 900 7 - 298, 7 - 8 कट होगा नहीं होगा, क्या करेंगे हम लोग 7 को कट करके 7 ही लिखेंगे, आगे वाले डिजिट में बोरो करना, लेकिन 0 का बोरो नंबर कोई है नहीं है, क्या समझेंगे हम लोग, वहां पे 10 समझना है और फिर 1 माइनस करना, यानी कि 10 का 1 माइनस यानी बिफोर नंबर, तो क्या करेंगे 9 लिखेंगे, और यहाँ पे 9 लिखा है यानी कि 10 को कट करके लिखा है, तो आगे वाले डिजिट को भी आपको बोरो करना होगा, यानी कि 9 को कट करके लिखेंगे 8। अच्छे से समझना, 7 - 8 नहीं होगा, यानी कि 7 को कट करके 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 10 ऐड किया है, तो क्या करेंगे आगे वाले डिजिट को बोरो करना, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है 9, 0 है, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग 9 लिखेंगे, और फिर 9 लिखा है यानी कि 10 में से कट करके उसका बिफोर नंबर 9 लिखा, इसलिए हमें यहाँ पे आगे भी बोरो करना होगा। ओके, यानी कि 17 में से 8 माइनस करना है, तो हम पहले 17 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, माइनस 8 करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब कितने लेफ्ट हैं वो काम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आंसर आएगा 9, यहाँ पर 9 माइनस 9, सेम डिजिट माइनस करेंगे, ये आंसर आएगा 0, नेक्स्ट 100 वाले डिजिट में 8 - 2, 8 काम करेंगे, उसमें से 2 माइनस करेंगे, 1,